हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ अमरूद और चुकंदर की जैम की रेसिपी शेयर करूंगी। इसको मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है और देखिए कितना बढ़िया हमारा जैम बनकर के तैयार हुआ है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी से एक बार जैम जरूर बनाइए। आई होप आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आएगी। वीडियो को फुल देखिएगा, इसकी बिल्कुल ही मत करिएगा। तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखिए मैंने 1 किलो अमरूद लिए हैं और 1 चुकंदर लिया है। इनको मैंने अच्छे से धोकर के साफ कर लिया है और अमरूद और चुकंदर को हम रफली कट कर लेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें, जिससे क्या है मेरी सारी रेसिपीज आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी। आप इसको बगैर चुकंदर के बना सकते हो, लेकिन हम इसमें कलर की जगह चुकंदर ऐड करेंगे। ये अमरूद और चुकंदर को फ्राई पैन में डाल देंगे। अब चूल्हे को ऑन कर देंगे। अभी फ्राई पैन में हम 1/2 गिलास जितना पानी डाल देंगे। अभी फ्राई पैन को ढक देंगे। अभी 2-3 मिनट तो फ्लेम को हाई रखेंगे, उसके बाद फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम इनको करीब 5 से 7 मिनट पका लेंगे। अमरूदों को अच्छे से गला लेंगे। आप आपके हिसाब से अमरूदों को अच्छे से गला लें। इनको बीच में एक बार हल्का सा चला देंगे। इनको लो फ्लेम पे पकते हुए देखिए करीब 10 मिनट हो चुके हैं। ये अमरूद भी देखिए अच्छे से गल चुके हैं। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फ्राई पैन को हम चूल्हे पे से हटा लेंगे। अभी बहुत गर्म है, इनको हल्का सा ठंडा कर लेंगे। ये अमरूद और चुकंदर देखिए हल्के से ठंडे हो चुके हैं। अब इनको हम थोड़ा थोड़ा करके मिक्सी जार में ऐड करेंगे। मिक्सी की हेल्प से हम इनको बारीक पीस लेंगे। ये अमरूद और चुकंदर को देखिए मैंने बारीक पीस लिया है। अब इनको हम इस तरीके से किसी भी चन्नी में डाल देंगे। बाकी के बचे हुए अमरूद और चुकंदर को ऐसे पीस लेंगे। अब इसको हम चन्नी से छान लेंगे। अब इसमें जितना भी कचरा बचा है इस कचरे को फेंक देंगे। अब इस प्यूरी को हम इसी पैन में डाल देंगे। अब चूल्हे को ऑन कर देंगे, फ्लेम को लो कर देंगे। अब इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। यह 1/2 चम्मच दालचीनी का पाउडर है, 1/2 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च है, 1/2 चम्मच सौंठ का पाउडर है, यह 1/2 चम्मच काला नमक है और 1/2 चम्मच सादा नमक है। अभी देखिए मैंने 1 प्याली शक्कर ली है, शक्कर को भी इसमें डाल देंगे। आप इसमें शक्कर की जगह मिश्री या गुड़ कुछ भी ऐड कर सकते हो। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये सभी मसालों की क्वांटिटी भी आपके हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। आपको जो भी मसाले पसंद है, जितने भी पसंद है उसी हिसाब से डाल लें। अगर शक्कर का हम वेट करेंगे तो करीब 200 ग्राम शक्कर है। फ्लेम को लो रखेंगे और शक्कर के अच्छे से मेल्ट होने तक इसको बराबर से चलाते हुए पकाएंगे। ये देखा आपने, मैंने इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी कलर ऐड नहीं किया है। चुकंदर से इसमें कितना बढ़िया कलर आया है।
इसमें देखिए खदकियाने स्टार्ट हो चुकी है और शक्कर भी देखिए इसमें अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब फ्लेम को लो कर देंगे और इसको बराबर से चलाते हुए अच्छे से गाढ़ा होने तक पका लेंगे। ये जैम को मुझे बराबर से चलाते हुए देखिए करीब 15 से 17 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब जैम को हम फ्राई पैन में से निकाल लेंगे। अभी हमारा अमरूद का जैम बनकर के रेडी है। आप भी इसको बना करके इसको ठंडा करने के बाद किसी भी कांच के डब्बे में भर के फ्रीज में रख दें। आराम से आप इसको एक महीने तक यूज कर सकते हो, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। देखा आपने कितने सिंपल तरीके से कितना बढ़िया हमारा जैम बनकर के तैयार हुआ है। तो आप इसको बना करके ब्रेड के साथ या फिर पराठे के साथ सर्व करें, ये बहुत ही बढ़िया लगता है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी से एक बार जैम जरूर बनाइए। आई होप आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।